सो ही गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो पोकेमॉन सोल्ड गेम। तो गाइस यार मैं 5 दिन से करीब वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि यार मेरा यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो गया है एंड ऊपर से भाई मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ता है, तो इसीलिए भाई मैं वीडियो डेली नहीं डाल पा रहा हूँ। पहले मेरा स्कूल नहीं था एंड ट्यूशन भी नहीं था, तो इसीलिए मैं भाई डेली वीडियो डालता था। बट अब भाई स्कूल एंड ट्यूशन दोनों ही चालू हो चुके हैं, तो अब भाई डेली वीडियो तो नहीं आ सकता, शायद से 1 या फिर 2 दिन गैप में आ सकता है वीडियो। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग करने जा रहे हैं भाई समन के अंदर स्पिन। ओके, तो यहाँ पे भाई बहुत सारे टिकट पड़े हुए हैं इस अकाउंट के अंदर, देख सकते हो। ब्लू टिकट भाई 33 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो नॉर्मल टिकट है ये 15 है, एंड मेगा सर्च का जो कॉइन है ये हम लोग आज खरीदने वाले हैं। देखते भाई कितने बक्से हैं भाई के पास। एंड यहाँ पे जो है अपना एलोला भी देख सकते हो, रीला माइलैंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये भाई 3 बजे से, मतलब दोपहर के 3 बजे से ये खुलता है। ओके, एंड सुबह के 6:30 AM खुलता है एंड दोपहर के 3 बजे ये खुलता है, तो दो बार खुल रहा है। ओके, तो आप लोग जा सकते हो एंड पकड़ सकते हो आपका मनपसंद पोकेमॉन 3 बजे वो जाके रिलाम आइलैंड के अंदर। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला था, हाँ तो चलो हम लोग बैकपैक के अंदर जाके खरीद लेते हैं यहाँ से जो अपना रेनबो पोकेकॉइन है वो। तो यहाँ पे भाई बस 7 ही बक्से हैं, और बक्से होते तो बहुत भी ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे देख सकते हो भाई, भाई के पास यहाँ पे 11K RD है। ओके, 11K RD, तो चलो फटाफट हम लोग यहाँ से बाय करते ये वाले जो रेनबो पोकेकॉइन के टोकन एंड सीधा करते भाई स्पिन को शुरू अपना। एंड मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों मैं भाई 5 दिन जो है वीडियो नहीं डाल पाया था। ओके, तो देखते भाई 1-2 दिन के गैप में आई गेस वीडियो आएगा, डेली तो नहीं आ सकता। ओके, एंड यहाँ पे शायद सब हमने खरीद लिया है, देख सकते हो यहाँ पे बक्से और तो नहीं है, वरना और भी हम लोग यहाँ से खरीद पाते, बट यहाँ पे बक्से मिलना भाई बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल है। यहाँ से ही मिलते हैं अपने वर्ल्ड टूर्नामेंट से ही। ओके, तो चलो हमने यहाँ से 7 बक्से खरीद लिए हैं, देख सकते हो यहाँ पे 7 टोकन यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ गाइस आप लोग देख सकते हो, अगर मैं 7 स्पिन करूँगा तो मुझे ये गारंटी है कि मुझे एक SSR पोकेमॉन यहाँ से मिलेगा। एंड देखेंगे भाई यहाँ से इसका नेचर क्या होता है। ओके, तो यहाँ से भाई बहुत तगड़े तगड़े नेचर मिलता है, देखते यहाँ से हमें आज कौन सा जो SSR मिलने वाला है एंड नेचर देखेंगे भाई कितना अच्छा नेचर एंड इंडिविजुअल वैल्यू होता है। ओके, तो चलो बिना बात को आगे बढ़ाए तो हम लोग सीधा बढ़ते गाइज हमारे स्पिन के ऊपर। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे करेंगे पहले ये वाले टोकन स्पिन सिल्वर पोकेकॉइन, उसके बाद करेंगे हम लोग ये वाले ब्लू वाले टिकट, उसके बाद करेंगे रेनबो पोकेकॉइन को स्पिन। ओके, तो चलो यहाँ पे करते हम लोग शुरू। एंड विश लिस्ट के अंदर यहाँ पे सेलेबी को रखा है भाई ने, तो चलो सीधा करते हैं यार गाइज यहाँ पे हम लोग 9th का स्पिन एंड देखते हैं क्या मिलता है। एंड यहाँ पे वो भाई साहब 1st स्पिन के अंदर हमें मिल चुका है भाई अपना विश लिस्ट वाला पोकेमॉन, देख सकते हो यहाँ पे हमें सेलेबी मिल चुका है, तो बहुत ही बढ़िया लक है हमारा, देख सकते हो 1st स्पिन के अंदर ही हमें मिल गया। इसका मतलब गाइस आज हमारा लक तो अच्छा जाने वाला है मुझे जो लगता है। ओके, चलो देखते आगे। एंड यहाँ पे अपना जो विश लिस्ट वाला पोकेमॉन था सेलेबी वो हमें मिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड और भी यहाँ पे 6 बचे हुए हैं सिल्वर पोकेकॉइन, तो चलो फटाफट ये इनको भी हम लोग स्पिन कर देते हैं एंड उसके बाद जाएंगे भाई हम लोग ब्लू टिकट के अंदर। एंड ब्लू टिकट के अंदर भाई आप लोगों को पता ही है हमें वहाँ पे भाई नेचर बहुत ही तगड़े तगड़े मिलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे लास्ट स्पिन, चलो यहाँ पे लास्ट स्पिन कर देते हैं। एंड ये लास्ट स्पिन के अंदर हमें निकला ऑनिक्स। ओके नाइस, एंड अब करेंगे भाई हम लोग ब्लू टिकट के अंदर स्पिन। एंड यहाँ पे भी भाई बस 7 ही चाहिए, वो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग 7 स्पिन करेंगे गारंटी है कि हमें यहाँ से 1 SSR हमें मिलने वाला है। एंड यहाँ पे भी हमें 1 SSR मिलेगा, तो भाई आज 2 SSR मिलने वाला है। देखेंगे भाई इनका नेचर एंड इंडिविजुअल वैल्यू भाई कितना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो चलो फटाफट करते हैं भाई स्पिन। तो यहाँ पे 1st स्पिन एंड 1st स्पिन के अंदर हमें निकला यहाँ पे गार्चॉम, चलो नाइस गार्चॉम निकला, बट नेचर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था इसका, कोई ना। तो चलो 2nd स्पिन एंड 2nd स्पिन के अंदर गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैक्स नेचर का यहाँ पे रेक्विजा मिल चुका है भाई, मैक्स नेचर का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, देख सकते हो यहाँ पे हमें मैक्स नेचर का मिल चुका है रेक्विजा। ओके, मैक्स नेचर का भाई मज़ा आ गया भाई। एंड शायद ये वाला नेचर भाई के पास है या फिर नहीं मैं देखता हूँ, अगर होगा तो स्कैम हो जाएगा, देखते भाई पहले से ही भाई के पास ये मैक्स है या फिर नहीं रेक्विजा। चलो देखते हैं यहाँ से रेक्विजा कहा गया, ये रहा रेक्विजा एंड नहीं है, देख सकते हो गाइज यहाँ पे जो है मैक्स नेचर भाई का एक भी नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू किसको हटाए यहाँ से, चलो मैं नहीं हटाता, भाई हटा देंगे। ओके, यहाँ से देख सकते हो हमें मैक्स नेचर का मिल चुका है, ये नेगेटिव। ओके, तो ये भाई बाद में कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा। ओके,
चलो मैं यहाँ पे जो नेचर है उसको एक्सचेंज नहीं कर रहा भाई, बाद में कर लेंगे। अभी भी भाई हमारे पास 31 स्पिन बचे हुए हैं एंड हमें भाई दो ही स्पिन के अंदर हमें मिल चुका है अपना रैक्वेजा, वो भी मैक्स नेचर का। बहुत ही बढ़िया लगा भाई, मैक्स नेचर का हमें मिल चुका है अपना SSR। चलो यहाँ पे करते भाई सीधा स्पिन फिर से एंड देखते भाई हमें क्या मिलता है। यहाँ पे डेलफॉक्स मिला हमें एंड ये वाले स्पिन के अंदर हमें निकला बटर फ्री एंड इस वाले स्पिन के अंदर निकला आर्टिकूनो एंड इसका भी नेचर गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैक्स नेचर का है ये भी आर्टिकूनो, बहुत ही बढ़िया। चलो हम लोग फिर से करते भाई अपना स्पिन को स्टार्ट एंड देखते यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे मिला हमें चेस्टनट पोकेमॉन नाइस एंड देखते इस बार क्या मिलता है। इस बार मिला स्वैम्पॉट लेवल 2 नेचर का एंड इस स्पिन के अंदर निकला जैपडोस लेवल 3 ब्रेव नेचर का, बहुत ही बढ़िया। एंड इस स्पिन के अंदर निकला भाई मैग्नाजोन, ओके नाइस। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे एक बार हम लोग 10 का स्पिन करते हैं, ओके देखते भाई इस बार हमें 10 के स्पिन के अंदर से क्या निकलता है। एंड यहाँ पे डाकराई मिल चुका है ब्रेव नेचर मैक्स का, देख सकते हो यहाँ पे हमें डाकराई मिल चुका है ब्रेव नेचर मैक्स का। बट आई गेस भाई जो है अपने डाकराई को यूज़ नहीं करते, ओके तो यहाँ पे 21 स्पिन है तो करेंगे भाई एकदम सीधा 10 का एंड देखेंगे भाई 10 स्पिन के अंदर हमें क्या मिलता है। चलो देखते यहाँ पे, ओके भाई बढ़िया। यहाँ पे हमारा पोकेमॉन जो है फुल हो चुका है तो फटाफट हम लोग इसको कर लेते हैं रिसाइकल, आई गेस रिसाइकल ही। एंड यहाँ पे फिल्टर में SSR लेवल 3 नेचर का, लेवल 3 नहीं, हाँ लेवल 3 का भी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे सीधा करते रिसाइकल। चलो और यहाँ पे डिट्टो देख सकते हो बचे हुए हैं, मैंने सारे साइज कर दिया, ओके पता नहीं आई गेस मैंने सारे ही यहाँ पे वो कर दिया रिलीज़ कर दिया। तो चलो इस बार भाई दिक्कत नहीं आएगा पोकेमॉन फुल का, तो इस बार हम लोग करेंगे गाइस सीधा 10 का स्पिन एंड देखेंगे भाई इस बार हमें क्या मिलने वाला है सीधा 10 के स्पिन के अंदर। तो चलो 1 2 3 कर दिया मैंने यहाँ पे स्पिन एंड देखते इस बार हमें क्या निकलने वाला है। तो यहाँ पे भाई ओ नो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे हमें निकला भाई आई गेस हमें एक ही वो मिला है SR एंड बाकी सब आर पोकेमॉन मिला है भाई, क्या ही कर सकते गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज हमें यहाँ पे सारे के सारे आर पोकेमॉन मिले हैं एंड एक बस हमें मिला है भाई SR पोकेमॉन जो कि है अपना स्नोरलैक्स मेगा ब्रेव नेचर, सॉरी मेगा ब्रेव नहीं ब्रेव नेचर का, ओके ब्रेव नेचर 4 का हमें स्नोरलैक्स मिला है। बाकी सब यहाँ पे आर पोकेमॉन उनमें से भाई 3 हमें मिला है गिबबाइट, देखो यहाँ पे 3 गिबबाइट मिला है भाई। गिबबाइट लेके मैं क्या करूँगा भाई, इतना इनकी जगह भाई SR दे देता एक भाई, देख सकते हो क्या ही तगड़ा लगता है यार। तो चलो हम लोग करते भाई सीधा अपने स्पिन को स्टार्ट फिर से एंड और 10 ही बचे हुए हैं। यहाँ पे हमें निकला भाई रायचू, ओके यहाँ पे रायचू निकला एंड बस 9 ही बचे हुए हैं स्पिन। यहाँ पे निकला हमें टोगेकिस एंड ये तीसरा स्पिन एंड तीसरे स्पिन के अंदर निकला वेनोसॉर एंड ये चौथा स्पिन के अंदर निकला गोलेम एंड ये पाँचवें स्पिन के अंदर हमें निकला यहाँ पे राइपीरियर एंड ये अपना छठा स्पिन आई गेस एंड यहाँ पे निकला मैग्नाजोन एंड ये अपना सातवां स्पिन एंड सातवें स्पिन के अंदर निकला म्यू। तो यहाँ पे म्यू भाई मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, ओके यहाँ पे देखते भाई और बस 3 ही बचे हुए हैं, तो यहाँ पे बस 3 बचे हुए टोकन, देखते क्या निकलता है भाई। और 2 ही बचे हुए हैं एंड 2 के अंदर से मुझे तो नहीं लगता भाई हमें कुछ अच्छा पोकेमॉन यहाँ से मिलने वाला है, तो मैं जल्दी कर देता हूँ, ओके तो यहाँ पे भाई हमें कुछ नहीं निकला एंड लास्ट स्पिन के अंदर हमें निकला यहाँ से भाई राइपीरियर, तो इसको लेके मैं क्या ही करूँगा है ना। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो हमारे दो स्पिन हो चुके हैं, मतलब जो नॉर्मल सर्च में स्पिन हो चुके हैं एंड ये ब्लू टिकट वाला भी हो चुका है एंड हमारा यहाँ पे बचा हुआ है लास्ट जो है मेगा सर्च के अंदर स्पिन एंड देखते हैं भाई इसके अंदर हमें क्या निकलने वाला है। तो यहाँ पे गारंटी तो है कि हमें यहाँ पे एक जो है SSR मिलेगा एंड देखते भाई SP वगैरह मिलता है या फिर नहीं। एंड चलो हम लोग करते भाई सीधा हमारे स्पिन को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा ट्रिक ब्रेक आजमा लेता हूँ, ओके ऐसे 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 करना पड़ता है, अगर निकल जाए भाई गलती से भी कोई अच्छा पोकेमॉन तो मज़ा आ जाएगा। तो फटाफट कर लेते यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, चलो कर लिया मैंने। अब करते भाई स्पिन, ये हमारा फर्स्ट स्पिन एंड फर्स्ट स्पिन के अंदर निकला यहाँ से आर्टिकूनो, चलो घटिया तो नहीं दिया आर्टिकूनो दिया है, चलो नाइस। एंड दूसरे स्पिन के अंदर से हमें निकला यहाँ पे मंच स्लैक्स, ओके ये अपना तीसरा स्पिन एंड तीसरे स्पिन के अंदर निकला डेलफॉक्स और बस भाई 4 स्पिन बचा हुआ है। क्या लगता है गाइस आप लोगों को क्या हमें मिलेगा यहाँ से जो SP पोकेमॉन, चलो देखते यार। यहाँ पे 4 स्पिन बचे हुए हैं एंड ये क्या मैंने फर्स्ट स्पिन, इसके अंदर से निकला भाई अपना ब्लेजिकन और बस 3 ही बचे हुए हैं भाई। ये अपना दूसरा स्पिन एंड दूसरे स्पिन के अंदर निकला सेप्टाइल और बस 2 ही बचे हुए हैं एंड मुझे तो नहीं लगता कि हमें यहाँ से मिलने वाला है भाई अपना SP, ओके देखते यार क्या होता है। एंड ये स्पिन ओ भाई मैं भाई चौंक गया, मैंने सोचा भाई यहाँ पे हमें म्यूटू मिल गया भाई,
भाई म्यूटू के जैसा ही उसका शैडो आ रहा था ग्रेनिंजा का, मैंने सोचा भाई म्यूटू मिल गया, क्या ही कर सकते हैं भाई, यहाँ से ग्रेनिंजा निकला मैं मैक्स नेचर का, क्या ही करूँगा मैं निंजा ग्रेनिंजा लेके। एंड ये लास्ट स्पिन एंड इसके अंदर से आई गेस हमें एसपी नहीं मिलेगा, एसएसआर मिलेगा। चलो यहाँ पे करते हैं एंड देखते भाई किस कितने नेचर का होने वाला है ये। ओ भाई यहाँ पे दिखा भी दिया क्या मिला हमें, गिराटीना मिला है, बढ़िया। एंड यहाँ पे हमें निकला भाई गिराटीना, ओके चलो यहाँ पे करते स्किप एंड गिराटीना निकला है। ओ भाई नेचर घटिया यार, छी भाई नेचर कितना घटिया दिया है, देख सकते हो यार यहाँ पे क्या नेचर है ये, मुझे नाम भी नहीं पता इसका। एंड लेवल दो का दिया है भाई, कम से कम थ्री या फिर फोर का दे देता यार मज़ा आ जाता, लेवल दो नेचर का दिया है हमें। एंड यहाँ पे हमें निकला भाई गिराटीना, बट गाइस आई गेस भाई जो है यहाँ पे गिराटीना को यूज़ नहीं करते मुझे लगता है, देखते भाई यहाँ पे गिराटीना तो है भाई के पास देख सकते हो। एंड उससे भी देखो नेचर देखो भाई, मैं जो अभी अभी मिला उससे 10 गुना अच्छा नेचर भाई ने पहले से ही लगा के रखा है, ओके तो भाई वो नेचर मिलके भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं भाई, अगर 3-4 का दे देता तो मज़ा आ जाता, बट भाई 2 का दिया, 2 हम कहाँ पे लगाएंगे भाई, इससे अच्छा ब्रेव नेचर ही है, ओके तो भाई ये तो एकदम घटिया मिल चुका है। एंड हमें ये और एक अच्छा चीज़ मिला जो कि था अपने रेक्वेजा का मैक्स नेचर मिला हमें नेगेटिव वाला, तो वो एक अच्छा चीज़ था इस वीडियो के अंदर। तो हमें मिला भाई 2-2 SSR इस वीडियो के अंदर, एंड एक था हमारा मैक्स नेचर रेक्वेजा एंड दूसरा था हमारा गिराटीना लेवल 2 नेचर का, ओके। तो गाइस आप लोग बताना यार आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड डेली वीडियो आई गेस नहीं आ पाएगा, 1-2 दिन बाद आएगा, ओके तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। एंड लाइक कर देना यार, मैंने आज एक भी बार लाइक नहीं बोला, तो फटाफट लाइक कर देना, एंड चैनल पर जो भी लोग नए आ रहे हो फटाफट भाई सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय।